गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम था अगले दिन और तैयारी भी पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी माइंड में एक थॉट चल रहा है बार बार कि अगर यार जो क्वेश्चन आया, मान लो बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही क्वेश्चन आया, नहीं बना तो, अगर नहीं बना तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी यार, और नहीं लगेगी तो फिर लाइफ में, सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं रहेगी। सब फ्रेंड्स आगे निकल जाएंगे और सब आगे निकल जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और पीछे निकल रह जाएंगे तो कैसे डील करेंगे इस सभी चीज़ों में? बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत सारा टेंशन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, ANJ एग्जाम्स, दिस इज रंजन। आज बात करेंगे ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स के बारे में जो आपके माइंड में बिना बुलाए, बिना सोचे, बिना चाहे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट आप सबने फील किया होगा किसी ना किसी पॉइंट पर, खासतौर पर जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आपको एग्जामिनेशन दिलाने जा रहे होते हैं, कोई ऐसा चीज करने जा रहे होते हैं जहां पे आपको खुद को प्रूव करना है, हर बार उससे पहले कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आएगा आपके माइंड में। ठीक है, तो इनसे कैसे डील करना है एज अ एस्पिरेंट, आप क्या करें ऐसा जिससे कि इन थॉट्स को आप एक तरफ रख दें, एक साइड छोड़ दें और इस पर बिल्कुल भी अपनी एनर्जी ना वेस्ट होने दें, तो इसी के बारे में बात करेंगे। ध्यान से बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को और बने रहिएगा टिल द एंड। नेगेटिव थॉट जो होते हैं ना, ये बिल्कुल इस तरीके से होते हैं कि आपके माइंड को पल्यूट करने के लिए, ये आपके माइंड को पल्यूट करते हैं। द क्वेश्चन इज कि सर मैं तो सोचना ही नहीं चाहता नेगेटिव चीज़ों के बारे में। कौन सोचना चाहता है? सिंपल सी बात है, नोबडी वांट्स टू थिंक अबाउट दिस नेगेटिव थिंग्स, कोई नहीं चाहता है सोचना, बट स्टिल दे कम इन टू योर माइंड ना, ये आपके दिमाग में फिर भी आ जाते हैं बिना चाहे, बिना बुलाए आ जाते हैं, ऐसे थॉट्स होते हैं। तो क्या करें, कैसे डील करें इस नेगेटिव थॉट्स से, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ये बेसिकली क्रिएट कैसे होते हैं यार, ये कैसे क्रिएट होते हैं, इसका क्या क्या रीज़न होता है, पहले अगर आप वो पॉइंट समझ गए ना, कोई भी प्रॉब्लम को अगर आप उसके रूट लेवल पर समझते हैं तो उसका सल्यूशन निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो जब आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको समझिए और इसको पूरी तरह से कंप्लीटली आप हटाइए। और कोई आपको अगर ये बोलता है कि भाई नेगेटिव थॉट्स को आने से रोक सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप कर दीजिए अपनी लाइफ में, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप ऐसे किसी भी चीज़ को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है, ये सुनने में भले अजीब लगेगा आपको, बट दिस इज द फैक्ट। आप कोई भी थॉट को रोक करके देखिए, आप अभी कोशिश करिए, आप अभी रोकने की कोशिश करिए, कोई भी एक थॉट को रोकने की कोशिश करिए, आप जितना ज़्यादा रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना ज़्यादा आपके दिमाग में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट एक्सप्लोसिव लेवल पर चला जाएगा आपके दिमाग में। अगर कोई थॉट आ रहा है और आप उसको ज़बरदस्ती रोक के देखिए, आपका ब्रेन जो है ना, ये एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसमें हर पॉइंट, हर टच पॉइंट एक्सेलरेटर पेडल है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई क्लच नहीं है, आप जहां छुएंगे वो एक्सेलरेट ही होगा, ये ध्यान करके रखिएगा, ये एकदम अपने माइंड में आप अभी समझ जाइए तो ज्यादा बेटर है। तो आपका माइंड जो है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड थिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा सोफिस्टिकेटेड थिंग अगर कोई है तो वो आपका माइंड है, बहुत पावरफुल मशीन है, बस आपको इसको कैसे चैनलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये प्लान करना पड़ेगा। और नेगेटिव थॉट्स जब इसके अंदर आते हैं तो दे आर लाइक वायरस जो उसको पल्यूट करते हैं, जो उसकी एफिशिएंसी को फिर से रिड्यूस करते हैं। तो कैसे डील किया जाए, सबसे फर्स्ट थिंग, नेगेटिव जो थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं वो कैसे आ सकते हैं, उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो सेल्फ मेड हो सकते हैं, सेल्फ क्रिएटेड, और या तो फिर फीडेड बाय समवन एल्स। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, नेगेटिव थॉट आपके दिमाग तक दो ही तरीकों से पहुंचते हैं, एक तो अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस, हमारे खुद का माइंड जो चीजें क्रिएट कर रहा है उससे, और दूसरा फीडेड बाय समवन एल्स। ये कैसे हो सकता है, पहले एक प्रॉब्लम का सलूशन समझते हैं। फीडेड बाय समवन एल्स मतलब कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी लोकेलिटी में, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं उसमें, अगर आप नेगेटिव पीपल के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों के साथ आपका मिलना हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी पर्सनालिटी को, आपकी थिंकिंग को ज़रूर असर करेगा, है ना। नॉर्मली आप सबने सुना होगा कि हम बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ में हम जो भी बनते हैं या जैसा भी सोचते हैं, इट इज़ द एवरेज ऑफ फाइव पीपल दैट वी हैंग आउट विथ। तो जिन पाँच पर्सन के साथ हम सबसे ज़्यादा उठते बैठते हैं, हैंग आउट करते हैं, उन्हीं लोगों का बिहेवियर जो जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर भी पड़ने लग जाता है। तो बेस्ट थिंग है आप जो जब जब अपनी कंपनी सेलेक्ट करें कि आप किन लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं, तो ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे जितनी आप दूरी बना के रखेंगे उतना बेस्ट थिंग रहेगा, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में ही क्यों ना हो, चाहे आपके फैमिली में ही क्यों ना हो, ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम देम। उनके साथ फालतू की बहस में इन्वॉल्व मत होइए। कई बार ऐसा होगा, आपने शायद नोटिस भी किया होगा कभी लाइफ में, कि आप किसी फ्रेंड के साथ डिबेट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, वो यूजलेस पॉइंट है, ठीक है, उससे उस पॉइंट पर डिबेट जीत भी जाने से आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल यू आर इंडल्ज इन दैट डिबेट,
और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा और आखिरी में आपको गुस्सा भी आएगा, इरिटेशन भी होगा, सब चीज़ होता है। बट एक मिनट आप बाद में सोचिएगा उस चीज़ के बारे में कि क्या उस टॉपिक पर बात करना भी ज़रूरी था आपकी लाइफ में। सो इस टाइप की चीज़ों में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है? ऐसी सब नेगेटिव चीज़ें आएंगी, बेटर है लेट देम विन, लेट देम बी हैप्पी विद देयर थॉट्स, ठीक है? आप मत चेंज करने जाए, पूरी दुनिया को चेंज करने लग जाएंगे ना, पूरी दुनिया को चेंज करने जाएंगे तो आप खुद बहुत सारा नेगेटिविटी लेके आ जाएंगे। मत करिए ऐसा। आपका कंट्रोल आपके खुद के थॉट्स के ऊपर है, आप क्या सोच रहे हैं उस पर आपका पूरा कंट्रोल है, ठीक है? आप कर सकते हैं उसको कंट्रोल, दैट इज इन योर हैंड्स, वो करिए, ठीक है? लोगों की थिंकिंग मत चेंज करिए, बेटर थिंग है। कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव सोच रहा है, लेट हिम डील विद दैट। ना आप किसी के बारे में नेगेटिव बोलिए या सोचिए, ना किसी और की फीलिंग अपने तक आने दीजिए, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। देखिए, नेगेटिविटी के बारे में एक बहुत ही बढ़िया सी सेइंग है ना। कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा हुआ लोग या हम सब भी कई बार किसी के लिए, किसी के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं या नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मत करिए ये चीज़। नेगेटिविटी के बारे में एक बहुत ही मस्त सी सेइंग है कि नेगेटिविटी इज अ पॉइजन दैट यू आर ड्रिंकिंग एंड एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू डाई। ऐसा पॉइजन जो आप पी रहे हैं और चाहते हैं कि कोई और मर जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ यू आर टेकिंग द पॉइजन, इफेक्ट तो आप ही के बॉडी में करेगा ना वो। तो आप किसी के बारे में अगर नेगेटिव बोल रहे हैं या सोच रहे हैं तो दैट इज हैम्परिंग योर ग्रोथ दूसरों के लिए, ठीक है? सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो दूसरों के इंपैक्ट से या दूसरों के साथ उठने बैठने से जो आपको असर पड़ रहा है, तो अपनी जो आप कंपनी बनाए, अपनी जो सराउंडिंग्स बनाए, वो ऐसे लोगों की रखिए जो विच आर द फाइनेस्ट पीपल, जो पॉजिटिव थिंकिंग से भरे हुए हैं पूरी तरह से, लाइफ में कुछ पॉजिटिव और कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, ठीक? नेगेटिव पीपल जो होते हैं ना, वो बिल्कुल क्लाउड्स की तरह होते हैं, बादलों के जैसे होते हैं। जैसे कि अब जब क्लाउडी मौसम आप देखे होंगे, जब बादल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो सूर्य की रोशनी आप तक नहीं पहुँच पाती है, ये लोग भी एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं। तो इनको हटाइए, सूर्य की रोशनी खुद तक पहुँचने दीजिए, लेट द ब्राइटनेस टच यू, और आपको फील हो कि चीज़ें कितनी ब्राइट हैं और कितनी अच्छी हो सकती हैं। तो उसके लिए पहले बादल को हटाना पड़ेगा, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी। आधी नेगेटिविटी हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है ना। एक रिसर्च में बोला गया था कि अगर जब जेल में जब प्रिजनर्स को जब रखा गया, एक किसी कंट्री की एक जेल थी है ना, और उसको आइसोलेटेड छोड़ दिया गया एक प्रिजनर को, तो उस आइसोलेशन में अकेले ही वो जो प्रिजनर था वो कई बार खुद से लड़ाई भी कर रहा था, खुद से उसका मूड भी खराब हो रहा था, गुस्सा भी हो रहा था और झगड़ा भी कर रहा था, ठीक है? किसी की नीड नहीं थी उसे। तो कई बार इस केस में होता है। तो देखिए होता क्या है, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी की मैं बात करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और इसके लिए आपको कहीं बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, आप घर के अंदर बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ये खुद से आ जाएगी, ठीक? सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी का सबसे बड़ा कॉज होता है, एक स्टूडेंट के एस्पेक्ट से बताऊं, नेगेटिविटी बहुत सारे तरीकों से हो सकती है, बट एज एस्पिरेंट मैं अगर आपके लिए बात करूं, सिर्फ आपके लिए, तो ये सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी आती है फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में इस पे सर्च करेंगे कि भाई मुझे क्यों नेगेटिव फील हो रहा है, क्यों डर लग रहा है, क्यों टेंशन हो रहा है, क्यों ये फियर आया माइंड में कि कल का गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है वो बिगड़ जाएगा, और बिगड़ गया तो मैं जो सोसाइटी है उसमें सबसे पीछे हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे, सब फ्रेंड सेटल हो जाएंगे, ये थॉट क्यों आया? क्यों? क्योंकि आपने जो उस एग्जाम की तैयारी की ना, उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी तक। चलिए इसको दूसरे तरीके से समझिए। आप जब पहली बार साइकिल चलाना सीखे थे, और साइकिल को लेकर के आप जब रोड पर निकले फर्स्ट टाइम, तो क्या आपके माइंड में ये थॉट आया कि आपका दोस्त कल आपसे बात करेगा या नहीं, या आपने किसी को कुछ बोला है तो वो आपसे नाराज तो नहीं है? या आपके माइंड में थॉट आया कि यार आज से 3 साल या 4 साल बाद कैसा होगा मेरा फ्यूचर? क्या आपके माइंड में ये थॉट आया कि भाई वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? ये थॉट आया क्या आपके माइंड में? ये थॉट आया कि भाई मैं पहली बार चला रहा हूं और इतनी भीड़ है, कहीं मैं गिर गया तो कितनी चोट लग जाएगी इससे? ये थॉट आया ना आपके दिमाग में? एग्जैक्टली यही थॉट आया आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अभी बिल्टअप नहीं हुआ उसको चलाने में, उस साइकिल को राइड करने में आपका कॉन्फिडेंस अभी बिल्टअप नहीं हुआ। यू आर हैविंग अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट। तो आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा जो सोच था वो उसी डायरेक्शन में गया कि अगर मैं इस गिर गया, अगर मैं ठीक से नहीं चला पाया तो क्या होगा। ग्रेजुअली आने वाले सालों में क्या हुआ कि आप बहुत बढ़िया से चलाना सीख गए, और अब आप जब साइकिल चलाते भी हैं तो आप 10 चीज़ें सोचते हैं। क्यों हम बोलते हैं कि ड्राइव करने के समय, राइड करने के समय हम बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज इट। तो जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तब वहां से ओवर थिंकिंग शुरू होती है। ये पूरी प्रॉब्लम अगर आप समझ जाएंगे ना,
तो बहुत आसानी से आप फिगर आउट कर सकते हैं, चीजें बहुत अच्छे वे में सॉर्टेड हो जाएंगी लाइफ में। तो जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो ओवरथिंकिंग शुरू होता है, ये नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, मैं क्रैक नहीं कर पाया तो क्या होगा, ओवरथिंकिंग। और ओवरथिंकिंग जो होती है ये लेके जाती है आपको नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। इसके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस भी जुड़ जाते हैं, इसके साथ कई एक्सपीरियंसेस भी जुड़ जाते हैं, ये सब एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में, पढ़ाई के एस्पेक्ट में, सभी एस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं आपको। तो एक्सपीरियंस जुड़ जाते हैं, कभी कुछ एक्सपीरियंस खुद के होते हैं, कुछ सुने सुनाए होते हैं, कुछ हम अपनी फैमिली में देखे हुए एक्सपीरियंस को ले लेते हैं, ठीक है। और उन एक्सपीरियंस के हिसाब से हम एक नेगेटिव डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप जब नेगेटिव डायरेक्शन में सोचेंगे तो वो ऐसे और थॉट्स को अट्रैक्ट करेगा, वैसे और ज्यादा थॉट्स आएंगे और वैसे और आपकी थिंकिंग जो है उसी डायरेक्शन में बढ़ने लग जाएगी। आप माइंड को आप जो फीड करोगे वो उसी से, वो उसी को पूरे समय रिवॉल्व करता रहेगा, रोटेट करवाता रहेगा दिमाग में, ठीक है। सो इससे बिल्कुल बचना है। अब आप सोच के देखिए कि एक शिप जो होता है ना, एक शिप जो होता है जो समंदर में जो सेल कर रहा होता है, इतने बड़े समंदर के एरिया में वो तैर रहा होता है, ठीक है। उतने बड़े समंदर के कंपैरिजन में शिप बहुत ही छोटा होता है ना, शिप बहुत ही छोटा होता है, लेकिन क्या समंदर का उतना हाई प्रेशर का वाटर भी उसके अंदर घुस सकता है क्या? उस शिप की मेटालिक कवरिंग इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो इतना हाई डेंसिटी के प्रेशर को भी झेल के रखा होता है, लेकिन उसको अंदर नहीं आने देता है, पेनिट्रेट करने नहीं देता है। जिस दिन वो शिप का की बॉडी जो है वो वीक पड़ती है, जिस दिन वो शिप कमजोर पड़ता है, उसी दिन वो पानी एंटर करता है और उसको डुबा के जमीन में ले जाता है। एग्जैक्टली आपका माइंड भी ऐसा ही होता है, माइंड भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इतना स्ट्रांग वॉल आप क्रिएट कर लीजिए अपने माइंड में कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये आपको डुबाने ना पाए, ये आप तक आप पर हावी ना होने पाए, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम हमको समझ में आ गया कि ठीक है कैसे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही है, अब इसको क्योर कैसे किया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो बेस्ट थिंग ये है, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीजों से डील करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप इनको आने से रोक नहीं सकते हैं, आप इनको डिले कर सकते हैं, आप इनको साइड कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही, बिल्कुल आएंगे, बहुत सारे टाइप के थॉट्स आएंगे, बट आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं फॉर अ बेटर थिंग। भाई शेर को ट्रेन करके रखा है इंसान ने, अपने माइंड को तो ट्रेन कर ही सकते हैं, ठीक है। सो एक तरीका होता है मेडिकल साइंस में जिसको कि CBT बोलते हैं, मेडिकल साइंस का CBT है ये, है ना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहलाता है ये। तो अब बीइंग एन इंजीनियर मैं उस पर इतना डिटेल में आपको नहीं लेके जाऊंगा, बट इसमें जो मेन मुद्दे की बात है वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि इससे सीखने वाली क्या बात है। CBT का जो तरीका होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है, वो हमको बचाती है हमारे सेल्फ डेवलप्ड नेगेटिविटी से। मतलब जब इंसान कोई नेगेटिव फीलिंग में जाता है तो हम अपने आप को आइसोलेट करने लग जाते हैं, समाज से, लोगों से, दोस्तों से दूर करने लग जाते हैं। ये चीज़ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होइए, लोगों के साथ मिलिए, अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग जो आपकी नज़र में लगे, जिनसे बात करके आपका मन अच्छा हो, और आपके माइंड में, आपके लाइफ में हर वो थॉट जो खुशी लेके आता हो, जिससे आपको पॉजिटिविटी लगती हो, उसे लिख के रखिए, कॉपी में एक पेज बनाइए और उसको लिख के रखिए, ठीक है। वो आप लिख लीजिए, आपको आपने पहली बार कोई अपनी बाइक खरीदी कैसा फील हुआ, उस दिन क्या आपकी फीलिंग थी, वो लिख करके रखिए। नॉर्मली हम फोकस करते हैं नेगेटिव चीज़ों को लिखने में डायरी में, बेस्ट थिंग है आप अच्छी चीज़ों को लिखिए, हर वो चीज़, है ना। पापा ने पहली बार एक वॉच गिफ्ट किया था, कैसा फील हुआ आपको, सब चीज़ लिख के रखिए। दिस विल बी योर रिकवरी डायरी, ये आपको रिकवर करेगी उस सभी नेगेटिव थॉट्स से, ये रिकवरी पेज होगा, ये आपके स्टडी टेबल के पास कहीं लगा होना चाहिए। और जब जब आपके माइंड में ऐसा कोई नेगेटिव थॉट आए, आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोचिए उस प्रिपरेशन को बेस्ट वे में अगर आपने कर लिया तो आप कहाँ खड़े होंगे, किस जगह पे होंगे, वो सोचिए। वो लिखा होना चाहिए आपके इस डायरी के लाइन में, वो सामने चिपका हुआ होना चाहिए आपके, जहाँ आप स्टडी करते हैं उस जगह पे। और जब माइंड में ऐसा नेगेटिव थॉट आए तो उसको देखिए, अपने अपना जो भी स्ट्रेंथ है उसको लिखिए आप इसके अंदर, जितना जो भी स्ट्रेंथ है। आपको पता है कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, अब मैंने कोई चीज़ को पढ़ लिया एक बार अच्छे से, भले शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद वो चीज़ एकदम पक्की हो जाएगी मेरे माइंड में। तो लिख के रखिए उस चीज़ को, ये आपका स्ट्रेंथ है। और आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चीज़ को अपने आप को बताइए, जब ऐसा कोई नेगेटिव थॉट आए खुद को बताइए आप ये चीज़ कि ये मेरा स्ट्रेंथ है और मैंने पढ़ा हुआ है ना, तो आई नो कि ये बेस्ट है। और ऐसा 1 से 2 महीने तक लगातार अगर आप करेंगे, फुल्ली अगर आप इन नेगेटिव थॉट्स को डिविएट कर दिए अपने माइंड से, तो ये मान के चलेगी आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करने लग जाता है, और फिर वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनसे दूरियां आपकी अपने आप बनने लग जाएंगी। फिर आपका जो देखने का नज़रिया है, सोचने का नज़रिया है, वो खुद ही पॉजिटिव होने लग जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पर वर्क करके देखिएगा एक बार, आई होप ये आपकी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज लेके आएगा।
और बेटर वे में आप और अच्छे वे में अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे, अपने एग्जाम्स के लिए मस्त तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थॉट के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।